नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से आए दिन सड़क हादसे सामने आते हैं। अभी बीते दिनों ही चंडीगढ़ से सटे हरियाणा के पंचकूला से एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया था, जिसमें 3 नौजवान दोस्तों की मौत हो गई थी। और अब एक बार फिर यहां एक ऐसा ही बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पंचकूला के चंडी मंदिर के पास एक एक्टिवा और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। एक्टिवा पर पति पत्नी सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतक पति पत्नी को सेक्टर 6 अस्पताल पहुंचाया। जांच अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि इनका पोस्टमार्टम करने के बाद इनके परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। दोनों पति पत्नी पंचकूला के पास अस्पताल में दवाई लेने जा रहे थे। पंचकूला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। ये एक्टिवा पे पति पत्नी थे, पिंजौर के रहने वाले, लोगड़ के, तो इधर पार्स हॉस्पिटल में सेक्टर 22 में दवाई लेने के लिए आए हुए आ रहे थे। जैसे टोल प्लाजा से पहले चंडी मंदिर पुराना थाना के पास से निकले, तो पीछे से एक कैंटर वाला आया और इनको हिट कर दिया। तो ये दोनों व्यक्ति ना ट्रक के टायर की तरफ गिरे और एक्टिवा दूसरी तरफ गिरी और इनके पिछला टायर ट्रक के ऊपर से निकल गया। तो इतना हॉस्पिटल में ले गए तो वहीं पर ब्रॉड डेथ हो गई इनकी। तो ट्रक को हमने कब्जे में ले लिया, ड्राइवर भाग गया और पर्चा दर्ज कर दिया है। तो अगली कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कराएंगे। कितने बजे का वाक्य बताया जा रहा है? ये है 10:30 सुबह का। जी, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।